आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं और पटना एयरपोर्ट से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पटना एयरपोर्ट पर किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, जो बीजेपी के महिला मोर्चा के जो लोग हैं वो किस तरह से जेपी नड्डा का स्वागत पटना एयरपोर्ट पर हाथों में आरती के थाली लेकर स्वागत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो पटना महापौर हैं और जो उप महापौर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हाथों में जो आरती की थाली लिए हुए हैं और जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर। जिस तरह से कहें तो जेपी नड्डा आज पटना पहुँचे हैं और पटना एयरपोर्ट से लेकर जो बापू सभागार है वहाँ तक रोड शो भी किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उनका जोरदार स्वागत पटना एयरपोर्ट पर किया गया है और पटना एयरपोर्ट से निकल चुके हैं बापू सभागार के लिए। और जिस तरह से कहें तो पूरे जो बापू सभागार तक जो रोड शो है वो किया जाएगा। जिस तरह से कहें तो कैलाशपति मिश्र का जयंती है, शोभा जयंती है, इस अवसर पर वो पटना पहुंचे हुए हैं। पटना में उनका जो कार्यक्रम है वो बापू सभागार में रखा गया है। उसके बाद बीजेपी कार्यालय में भी उनका जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठकें करेंगे। और जिस तरह से कहें तो ये पटना एयरपोर्ट की विजुअल है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पर और उनका जो स्वागत किया और एयरपोर्ट पर स्वागत करके वो जिस तरह से रोड शो है और जो प्रोग्राम जो मुख्य कार्यक्रम है उसके लिए वो पहले निकल चुके हैं। लेकिन जेपी नड्डा भी पटना एयरपोर्ट पर किस तरह से निकल रहे हैं आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, और उनका जोरदार स्वागत है वो महिला मोर्चा के द्वारा किया गया है, बीजेपी के महिला मोर्चा के द्वारा किया गया है। इसमें जो महापौर हैं सीता साहू और उप महापौर हैं तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए थे, उनका जोरदार स्वागत किए हैं। और जो बीजेपी के विधायक हैं श्रेयसी सिंह वो भी पटना एयरपोर्ट पर हाथों में जो आरती की थाली है वो लिए हुए हैं और जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से कहें तो कैलाशपति मिश्र का जो शोभा जयंती है इस अवसर पर जेपी नड्डा पटना पहुंचे हैं और पटना एयरपोर्ट से लेकर जो बापू सभागार है वहां तक रोड शो भी किया जाएगा। तमाम जो बीजेपी के मोर्चा हैं जैसे में महिला मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, जो तमाम मोर्चाओं के द्वारा जगह जगह पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा पटना के चौक चौराहों पर। और जिस तरह से कहें तो पटना एयरपोर्ट से जेपी नड्डा हैं जो निकल चुके हैं बापू सभागार के लिए। आप काफिला के देख सकते हैं किस तरह से जो पटना एयरपोर्ट से उनका निकल रहा है। तमाम बड़े बड़े नेता भी हैं जो निकल चुके हैं पटना एयरपोर्ट से और जो रोड शो है वो है। और जिस तरह से कहें तो जो 100वीं जयंती है कैलाशपति मिश्र का इस अवसर पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव है ऐसे में उनका आना बेहद ही एक संकेत दे सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसकी तैयारी भी कहीं ना कहीं एक तरह से दिख रहा है। और लगातार 9 महीने में ये दूसरी बार हैं जो जेपी नड्डा पटना पहुँचे हैं। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।